तो दोस्तों आ गए हैं अब सीधे इधर। अब चल रहे हैं इधर लेकर आपको जो दवाई के महल उल की तरफ जो बना हुआ है, सब देखते हुए नज़ारे। फिलहाल सुकून बहुत है अंदर, ठीक। सुबह सुबह तो और मज़ा आता है, कुछ कहने ही नहीं, अलग ही है सब। चलते रहिए बस आप लोग। अब दोस्तों आप लोग सामने से आएंगे, वैसे यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर लेकिन आज फ्री है, जुमा है आज फ्री है। पता नहीं महिला दिवस है या किस बार है फ्री है, पता नहीं मुझे कुछ। अब ऐसे ही चल रहे हैं, देखते हैं। टिकट से तो बच गए, यहाँ पर वैसे टिकट पड़ता है यहाँ का, ठीक है। एंट्री इधर है, इधर से घूम के चेक इन होने, चेक इन होने के बाद चेकते हैं। चलो अच्छा, चेक इन विन करवा लिया आराम से, ऐसा जलवाया घर का, कोई नहीं, किसी चीज का तो फायदा मिला किसी दिवस का। जोधाबाई महल अस्तबल हरम सारा इस्तबल। चलो पहले जे निपटा के आते हैं इधर, जोधाबाई का महल देख के आते हैं क्या बनवाया अकबर भाई ने। चलो फिर देखते हैं। देख रहे हो कितनी फ्रेश से बनी चीजें हैं, सफाई देख रहे हैं आप लोग। अंदर चलने से पहले ये लिखा है कुछ, ये भी पढ़ते चलिए आप लोग साथ साथ। 1574 ईस्वी का मधुबन, ठीक है, पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, नहीं पढ़ा। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर पर ही राजस्थान का बॉर्डर है, भरतपुर लग जाता है। 21 किलोमीटर बाद भरतपुर चालू हो जाता है। ये राजस्थान हाईवे जा रहे हैं उधर से है, ठीक है। अब अंदर चलते हैं बिना देरी करे। आगे से गुजरे ना तो रानी को देख ना सके। आओ आओ आ जाओ। नमस्कार, चलो अंदर। ये देखिए आ गए थे यहाँ पर, पूरे पूरे महल है बना रखे हैं और बीच में स्पेस बहुत दे रखा, बीच में हर तरफ मतलब जहाँ देखो स्पेस ही स्पेस है। अब इधर क्या है, सब तरफ ऐसी है, कालकट कोठरी है क्या, ये क्या है भाई, बंद है पता नहीं, कुछ कुछ ना कुछ होएगा ये। चलो सब ऐसी है ज़्यादातर। अब आओ ना जी भाई, इधर ही आ जाओ, घूमते हैं। ऐसा है देख रहे हो क्या क्या बना रखा है, कारीगर भैया पहले कामयाब थे। पत्थर की चौखट है, पत्थर की देख रहे हो, खपटो कितना, क्या कारीगरी है भाई, मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा। क्या हो रहा है देखो तो, ये क्या बला है भाई। नहीं इधर बैठने की व्यवस्था दे रखी है और सामने पिक्चर चल रही है, आपको दिखाते हैं बैठ के। इस कुर्सी पे बैठते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने आने खास, चलो हम आपको पूरा क्या दिखाएं हम देख लेते हैं। दोस्तों कारीगरी देखकर दिल खुश हो रहा है, ये तो जीना है फिलहाल बनकर रखा है, वरना ऊपर चलते लेके आपको। देख रहे मशीनें भी थी नहीं, डिजाइने देख रहे पत्थर में, क्या भाई कारीगरों को मानना पड़ेगा। राजा ने तो बनवाया, जिनने बनाया सबसे बड़ा काम उसका है। और कमरे के अंदर कमरे सब भैया पैसे की बाहर थी, देखो तो जी नहीं आ रही है। चलो दिखा दिया, इसी है जो सब बंद है, सब माल सब अंग्रेज लूट ले गए, बचा कुछ नहीं है। देख रहे डिजाइने, हाँ क्या भैया डिजाइने थी यार, छत की भी हालत देख लो क्या हो गई है।
सब अंग्रेज लूट ले गए माल को, भारत को हमारे कंगाल कर गए। काट डालूंगा, क्या करा जाए, लूट ले गए अंग्रेज। चलो कोई नहीं यार, फिर से तरक्की करेगा भारत। कमरे के अंदर कमरा, चलो अच्छा आप चल रहे। यहाँ पे दोस्तों बदबू बहुत आ रही, कबूतरों की गू की मतलब स्मेल बहुत खतरनाक आ रही। सफाई तो काफ़ी है, सफाई तो बहुत दे रखी, मतलब एक तिनका नहीं दिख रहा है, लेकिन वही बात बदबू कहाँ ले जाओ, धो हुए कितना धो ले हुए, यही बात है। फिलहाल चलते हैं उधर साइड को, इतना तो जो तो पोर्शन पूरा घुमा दिया हमने, आप लोगों को हमने भी घूम लिया पूरा, ठीक। अब बाहर लेके चलते हैं, ओके। इधर से अंदर निकल के आ गए और सीधे चल रहे हैं इधर। पानी पीने का भी है इंतजाम, चलो पानी देखते हैं पी के। ये तो फिलहाल अभी लगा है, ये नहीं उनके टाइम का, पानी पी के मिलते हैं। पानी दोस्तों बहुत मीठा है, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। क्या लिखा है भाई, ये भी आप पढ़िए जरूर, और फिर ये अंग्रेजी वाला भी पढ़िए अगर हिंदी ना समझ में आती हो, ठीक है। और चलते हैं सीधे लेके इधर, चलो कोई मैटर नहीं है। देख ले हो, सब कुछ दिखाऊंगा वीडियो में, बने रहिए बस एंड तक आप। और ये है गार्डन, देख ले हो आप लोग, फूल लगे हैं तरह तरह के, देख रहे हो, देखिए बस। ये क्या है भाई, चलो अंदर आ जाओ। ये भी भाई कुछ होगा, देख ले तो, इसे बी में पड़ी है। सामने आप लोग सीधे जब इधर से बढ़ोगे तो डायरेक्ट फिर यहाँ पर बीरबल जी का देखेगा महल। भैया बीरबल को बनवा के दिया था अकबर जी ने, देख रहे हो, ऐसे ही है कुछ। अब सभी इन पे मतलब लगता होगा, चलो एक तरफ से आपको घुमाते हैं, आ जाओ देखते हैं इधर क्या है, खंतियाँ हैं क्या। इधर काम चल रहा है पत्थरों का, पत्थर काटे जा रहे हैं इधर, पड़े हुए तो पत्थर हैं भाई, ये लगता अभी बनाए क्या। जी देखो भाई घर की चीजें, हाँ भाई इनका आप देख ले रहे महल। चलिए चलिए जितने भी शहजाद भाई आपको बताएंगे, थे उनके जो खास मंत्री होते थे उनके लिए, खास बहुत दिमागदार थे भाई, बीरबल भाई का जलवा था जलवा। कितना बहुत आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या है, 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 लेकिन इस पे भी गेट लगा, छत पे जाने नहीं दे रहे हैं, ताला वाला तोड़ दूंगा मैं, गुस्सा आ गया अगर मुझे, बवाल कर दूंगा बवाल। ऊपर देखो ऊपर, चढ़ जाऊंगा छत पे, क्या करा जाए, दिमाग सब बोल लिए गए। चलो अब इधर देखते हैं सामने, अब दोस्तों साथ साथ लेकर चलते हैं आपको,
बिना देरी किए घूम रहे जितना हम भी उतना आपको भी घुमा सकते हैं। आ जाओ स्वामी भाई, आ जाओ बस घुमा दे, कोई मुश्किल नहीं है। अरे इधर से चलो, ये कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, आ जाओ काला तुम दे, ये तो कुंडी खुली है। वाह वाह, अरे तो खुला हुआ लेकिन पता नहीं क्या मैटर है, खुला नहीं है। बहुत तगड़ा दरवाजा है और जो सुरंग आ रही है, जे सुरंग से निकालते हैं आपको हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीधे पहुंच गए। अरे हाँ सानू भाई, यहाँ आओ। जे किस लिए दे रखे पहिए, जे क्या मैटर है भाई, जे क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ बड़ा मैटर है यार मेरे भाई, इसका क्या मतलब भाई, किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताए मेरे को, ये क्या चीज़ बना रखी भाई, इसका क्या संबंध है। सब तरफ उधर भी बना रखे, मैच होता था T20 वर्ल्ड कप या ODI। अरे शिकारी अजीत जी कहाँ गया, फिर इधर भी लेके चल रहे। बहुत अंधेरा है, अरे गुफा है भाई, मेन कमरे में घुसते हुए हम लोग, मेन कमरे में लाइट जला लेता हूँ। अरे बदबू आ रही बहुत, देख लो दोस्तों बवाल हो जाएगा वरना। ये बड़ा अंधेरा है यार, जे नहीं बल्ब उल्ब लगा दे, जे लोग कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे अब इधर ही निकल चल रहे, कहाँ जाए यार उधर, है सब एक ही से बिल्डिंग। आ जाओ बाहर निकल जाओ, लाइट बंद करते हैं, आओ। बहुत भैया पैसा था, चलो फिलहाल सब ऐसे ही है घूम के, फिर आपको जब मैं उधर लेकर चलूँगा तभी मिलता हूँ, वरना ये बहुत लंबा भी लोग हो जाओगा, अगर मैं कंटिन्यू इसको बनाता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं भी नहीं सोच सकता कितना लंबा हो जाएगा फिल्म, दो ढाई घंटे के, दो ढाई घंटे का ब्लॉग ही बनेगा कई बार। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने हो तो ये भी पढ़ लीजिए आप लोग, देख लो क्या है लिखा हुआ, पढ़ लिया नहीं पढ़ पाए, हिंदी में नहीं समझ आती होगी, ठीक है ओके, पढ़ लिया आपने। अब ऐसा है ना, ऐसे ही बीरबल जी हैं रहते थे और रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम भी इधर साइड को रहती थी, लिखा आपने देखा होगा अभी, अब इधर काम चल रहा है, देख रहे हो यही रास्ता चली गई उधर, फिर चाहे इधर से चले जाओ जी, जा रहे वो लोग, ठीक है। इसके बाद आओ यहाँ पे क्या था, जे गड्ढा है क्या बात, सब तरफ महल हैं, क्या पता हाथी महाराज जो थे वो यहाँ से आए करते थे, देखिए बोर्ड पे लिखा है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है जूम ज़्यादा क्या बता तो दिया हमने, ठीक है हाथी गेट यही है और बीरबल भाई का भी यही, मतलब बीरबल सबका ये था ये, ठीक है ओके। अब चलते हैं उधर साइड, बने रहिए हमारे साथ आप एंड तक। उधर से चले आए, अब इधर साइड को है पंचमहल फतेहपुर सीकरी का, देख सकते हैं आप लोग, ये फूल देख रहे हैं क्या नेचर है भाई, क्वालिटी अलग है भाई इनकी, देख रहे हो फूलों की क्वालिटी वैरायटी, फूल पत्नी तोड़ना व घास पर चलना मना है, फूल पत्ती तोड़ना, सॉरी पत्नी बोल दिया मैंने, ये जलवा था भाई ये तो, फिलहाल अभी लगाया गया भाई, फिलहाल होंगे इससे अच्छे अच्छे पहले के वक्त में। ये कुर्सियाँ दे रखी हैं हमारे लिए कि आदिल रजा खान आए और यहाँ पे बैठे, तो चलते हैं इनके दिल रखने के लिए बैठ चलते हैं, कुर्सियाँ हमारे लिए फिलहाल ये दे रखी हैं, अब लाइटिंग कर लूँ दिखाएगा नहीं, ये कुर्सी दे रखी है हमारे लिए कि आदिल भाई आए और यहाँ बैठे हैं, आहा बैठ गए भाई, इनका दिल रख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं मैं दिल रख लेता हूँ लोगों का। अब ऐसे यन पे एक कुर्सी दे रखी है किसी और के लिए, मेरे लिए यही बुक थी, ठीक अब थोड़ी देर सत्ता के फिर चलते हैं उधर। इतनी भीड़ तो दोस्तों इधर साइड को है, देख रहे हैं आप लोग सब तरफ, ये नीचे कुछ बनवाया था इन्होंने, और स्मारक परिसर कत्तल,
समतल है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो स्टील के भी लगाए गए हैं जल्दी में, ठीक है। ये भी आपको बोर्ड पढ़ाते हैं, ये क्या है बोर्ड में, होजे अनूप तलाश व तुर्की सुल्ताना का मकान 1575 में पोड़ हुआ। ऐसा ही है कुछ। अब हम लोग नाजिम भाई को ढूंढ के फिर इधर कराते हैं अनूप तालाब। ये देखो ऐसा सब यहाँ पे जाते होंगे चलते हुए, लोग नहाते धोते होंगे आराम से, ठीक है। यही है कुछ। और दोस्तों ये कोई मटका टाइप का बना रखा है, और यहाँ पर भी यही है सब। फुलवाड़ी यहाँ पे एंड है, और देखिए इतना गहरा है, ये दिख रहा है आपको, टूट गया बताया जा रहा है, पता नहीं ऊपर तक था क्या। इधर को ये सब दे रखा है गैलरी नीचे की, और इधर क्या है भाई, इधर भी मतलब बस रूम है बना हुआ। उधर साइड को ये होगा, कभी दीवार वाल टूट गई होगी, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम तो इसके अंदर लेकर, ये सब ताक बाग सब बने हुए हैं, देखिए है सब ऐसे ही है। और दोस्तों आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये दीवाने ख़ास है फतेहपुर सीकरी का। ये अब इसके अंदर चलते हैं, क्या क्या है रखा हुआ, कुछ होगा दिखाएंगे आपको। देखिए आप, बस आप लोग व्यू का मजा लीजिए। देखिए ये लिखा भी है, तो लिखा है ना, देखिए किस टाइप का बना सेंटर में। किसी से मिल रखा है, यही है सब बना हुआ है मामला। इधर देखिए क्या है, इधर भी डटा पड़ा है, डटा खींचने में। देखो इधर स्विमिंग पूल ऑफ वाटर, पानी ठीक है। इधर कोई सब दोस्तों ये अकबर का गद्दा है, अंदर ही आ जाता है यहाँ पर, ऐसे कुछ ऐसे ही नहीं। यहाँ देखिए ऊपर की दीवारें, और नीचे कितनी जगह खाली, कैसे चढ़ते होंगे, कई लोग चढ़ाते हुए मिलके। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अकबर बादशाह थे वहाँ पे, मतलब वो सुनाते थे फैसले वसले जो सुनते थे, ठीक है, और यहाँ पर बैठकर तानसेन का म्यूजिक सुनते थे, तानसेन यहाँ पर बजाते थे म्यूजिक। और वो तो बैठ तो मैंने आपको दिखाई दिया, ऐसे ही है सब यहाँ का। अब सीधे सबको सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, घूम लिया, सीधे बाहर चलते हैं। दोस्तों सामने रहा किला, जो सबके किले हैं सामने रहे, और हम आ गए इधर। अब इधर इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, आप मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी थक चुका हूँ मैं, और काफ़ी ब्लॉग आपने देख लिया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जाते जाते ब्लॉग का एंड करते करते आपको इधर से दिखा देता हूँ क्या व्यू दिख रहा है फतेहपुर सीकरी का। और अब अगर आप लोग आना चाहें तो आ जाइए। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, हाँ बहुत ही मतलब आरामदायक। आज तो फिलहाल टिकट भी नहीं था, वुमेन डे है कोई, इंटरनेशनल है पता नहीं नेशनल है, और फ्राइडे भी है, तो आज टिकट भी नहीं कोई लगा, और काफ़ी आराम है, मज़ा आ गया। फिलहाल इतनी जगह गए, कहीं वो नहीं है गदर इधर वो कर जे वो कर कुछ नहीं, बट टूरिस्ट टाइम वो पकड़े रहते 20, 10, 30, 40 ऐसे करते रहते, बाकी सब सही है। आइए आराम से घूमिए, और जो आपको ना इसी के समझ में आ रहे तो ये क्या बना हुआ, तो गूगल लेंस पर जाके उसका फ़ोटो खींचा, आपको गूगल खुद बता देगा ये पंचमहल है, ये बीरबल का महल है, ये जोधाबाई का महल है, सब बता देगा आपको, ठीक है, तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। आइए ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल।